रणबीर कपूर से पहले एनिमल मूवी के लीड के रूप में कौन दिखने वाला था? बॉबी देओल के एंट्री सॉन्ग और अर्जुन वैली गाने का क्या है हिस्टोरिकल फैक्ट? रणविजय के उस ऑसम गैटलिन गन को बनाने में आखिर कितने लोगों की और कितने दिन की मेहनत लगी थी? बॉबी देओल ने अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कौन से स्किल को सीखा था और क्या फ्यूचर में इसका कोई सीक्वल भी आने वाला है? ऐसे ही कुछ बहुत सारे बेहतरीन सवाल और बिहाइंड सीन कहानियां हैं जो एनिमल मूवी के बारे में आपको जरूर जानने चाहिए। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। रणबीर कपूर ने इस फिल्म में एक बार फिर से अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया है, पर क्या आपको मालूम है कि उनसे पहले कि इस मूवी के अंदर रणविजय / विजय का रोल कौन प्ले करने वाला था? वेल, यहाँ पर इसके लिए तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू को चुना जा रहा था और संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें ही सबसे पहले अप्रोच किया था, लेकिन अपेरेंटली इस मूवी की वायरेंट कहानी को सुनने के बाद महेश बाबू इस मूवी से बैक आउट कर गए, जिसके बाद फाइनली 2019 के दिसंबर में इस रोल के लिए अप्रोच किया गया रणबीर कपूर को, जो एक्चुअली संदीप रेड्डी वांगा के साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मूवी की पूरी कहानी को सुनने के बाद ही इस रोल के लिए हाँ बोला। खैर, इस मूवी का नाम एनिमल तो अपने आप में सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन इससे पहले इस मूवी का नाम पहले द डेविल होने वाला था, बट एनिमल नाम ने इस मूवी को काफी अच्छे से सिग्निफाई किया, जहां पर फिल्म मेकर्स के हिसाब से जैसा कि एनिमल्स अपने इंपल्स को लेकर फाइट करते हैं, कुछ ऐसा ही इस मूवी के लीड कैरेक्टर को भी दिखाया गया है जो बिना कुछ सोचे समझे अपने परिवार के लिए लड़ता है। बात करें अगर इस मूवी के फीमेल लीड यानी गीतांजलि के बारे में, तो इस कैरेक्टर को यहाँ पर पहले एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को ऑफर किया गया था और एक्चुअली यहाँ पर रश्मिका मंदाना सिर्फ और सिर्फ एक आइटम सॉन्ग के कैमियो के रूप में दिखने वाली थी, बट आगे जाकर पता चला कि परिणीति चोपड़ा किसी और ही मूवी में बिजी हैं, जिसके कारण उन्होंने इस मूवी से बैकआउट कर लिया और फाइनली यहाँ पर रश्मिका मंदाना को इस रोल के लिए चुन लिया गया। अब इंटरनेट पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एनिमल मूवी को कुछ ज्यादा ही लंबा बता रहे हैं और 201 मिनट के साथ ये मूवी सच में 3 घंटे 21 मिनट की है, जो ऑफ कोर्स इसे बॉलीवुड के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मूवीज में से एक तो बनाते हैं, बट ये बॉलीवुड की सबसे लंबी मूवी नहीं है और बॉलीवुड के अलग अलग रीजन के हिसाब से ये लेंथ और भी बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन इंडिया में LOC कारगिल 255 मिनट यानी 4 घंटे 15 मिनट के साथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट हिंदी मूवी है। वहीं पर दूसरी ओर इस मूवी के अंदर जोया के रोल के लिए पहले सारा अली खान ने ऑडिशन दिया था, पर यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा उनके पोर्ट्रेल से खुश नहीं थे और उनके हिसाब से सारा अली खान इस कैरेक्टर को पुल ऑफ करने के लिए कैपेबल नहीं थी, जिसके कारण यहाँ पर तृप्ति तिमरी को इस रोल के लिए चुना गया। अब इस मूवी के अंदर जितनी तारीफ लीड एक्टर रणबीर कपूर की अपने कैरेक्टर रणविजय के लिए हो रही है, उतनी ही तारीफ लोग यहाँ पर बॉबी देओल के कैरेक्टर अबरार की भी कर रहे हैं, जो वैसे तो मूवी के अंदर काफी ब्रीफ टाइम के लिए दिखा था, बट उसमें ही उसका एक बहुत ही लास्टिंग इम्पैक्ट देखने को मिला। बाय द वे, इस म्यूट कैरेक्टर को प्ले करने के लिए यहाँ पर बॉबी देओल ने एक्चुअली साइन लैंग्वेज सीखी थी। एनिमल मूवी के अंदर यूज किए हुए एनिमल मास्क भी इस मूवी को काफी अच्छे से सिग्निफाई करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस मूवी के फाइट सीक्वेंसेस के लिए तकरीबन 800 मास्क का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें ग्लास और निकल से कोट किया गया था और इनका इस्तेमाल प्राइमरली 20 मिनट वाले लॉन्ग फाइट सीक्वेंस में हुआ है। इस मूवी के अंदर बॉबी देओल के एंट्री के साथ हमें एक गाना सुनने को मिलता है जिसका नाम है जमाल जमलू। वेल, ये गाना अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि इस गाने की ओरिजिन ईरान से जुड़ी हुई है, जहां पर इसे 1950 के जमाने में फारसी पोएट बिजान समंदर ने लिखा था और इसे गाने के रूप में ईरान की खारजी ग्रुप ने कंपोज किया था, जहां पर 1950 में इसे पहली बार खारजेमी गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर पहली बार परफॉर्म किया गया था। फाइनली इस मूवी के कंपोजर हर्षवर्धन रामेश्वर ने इस पोएम में छोटे मोटे अल्टरेशंस करके इसे मूवी के अंदर यूज किया है। वहीं पर इस मूवी के मेन गाने यानी अर्जुन वैली का भी अपना एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जहां पर इस गाने को बेस किया गया है पंजाबी फोक ट्यून धादी वार पर, जिसे सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगल्स के खिलाफ फाइट के दौरान क्रिएट किया था, जहां पर अर्जुन वैली एक रियल लाइफ पर्सनैलिटी अर्जुन सिंह नालवा पर बेस्ड है, जो 18वीं शताब्दी की सिख खालसा फौज के कमांडर इन चीफ हरि सिंह नालवा के बेटे थे, जहां पर पंजाब के आज के लुधियाना में उनका जन्म हुआ था और यहां पर अर्जन सिंह नालवा और उनके भाई जसवीर सिंह नालवा दोनों मिलकर मुगल्स और ब्रिटिश के खिलाफ कई बार लड़ चुके थे और उनकी बहादुरी के किस्से पूरे इंडिया में फेमस थे, जिसके कारण उस समय उन्हें निकनेम अर्जुन वैली मिल गया था।
इस मूवी का एक बहुत ही आइकॉनिक सीक्वेंस था जब रणबीर कपूर का कैरेक्टर एक बड़े से मशीन गन का इस्तेमाल करता है अपने एनिमीज के खिलाफ, और मोस्टली बहुत सारे लोगों को देखकर तो ऐसा ही लगा होगा इसे CGI से बनाया गया था, बट टर्न्स आउट कि संदीप रेड्डी वांगा उन डायरेक्टर्स में से हैं जो प्रैक्टिकल इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर एक प्रैक्टिकल मशीन गन वेपन बनाया गया था जिसका वजन 500 किलोग्राम था और इसे तकरीबन 100 लोगों ने मिलकर बनाया था, जहाँ पर प्रोडक्शन डिजाइनर सुरेश सिल्वर राजू के हिसाब से इसे पूरे के पूरे रियल स्टील से बनाया गया है और इसे बनाने में 4 महीनों तक का वक्त लगा था। बात करें अगर इस मूवी की फिल्मिंग की, तो इस मूवी की फिल्मिंग कई जगहों पर हुई है, जहां पर अप्रैल 2022 में इस मूवी की फिल्मिंग मनाली में शुरू हुई थी, वहीं पर मई में इसकी सेकंड शेड्यूल की फिल्मिंग मुंबई में हुई थी। आगे जाकर इसकी फिल्मिंग गुड़गांव में सैफ अली खान के खानदानी घर पतौड़ी पैलेस में भी हुई है, साथ ही साथ दिल्ली, पंजाब और इस साल के मिड मार्च 2023 में इसकी फिल्मिंग इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में 15 से 20 दिन में हुई थी। वहीं पर चीजें कई जगहों पर रियल भी थीं। स्पेसिफिकली इस मूवी में दिखाए हुए कई सारी फाइट सीन्स जिन्हें एक्चुअली हैवीली कोरियोग्राफ किया गया था, और यहां पर एक्टर बॉबी देओल के हिसाब से इन्हें रियल लाइफ एनिमल्स पर मॉडल किया गया था, और यहां पर किसी भी चीज को VFX के रूप से नहीं दिखाया गया था। फिलहाल तो एनिमल मूवी अब भी सिनेमा हॉल्स में चल रही है, लेकिन इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन साबित हुआ है, जहां पर ऑफिशियली इस मूवी को 100 करोड़ के बजट पर बनाया गया है और इस पर इसने 794 करोड़ तक अब तक कमा लिए हैं, और इसने सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही अपनी ओपनिंग डे पर 63 करोड़ कमाए थे, जहां पर ये इस साल की सबसे ज्यादा तेजी से एडवांस बुक होने वाली मूवी बनी जवान और पठान के बाद। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका सीक्वल आने वाला है? वेल डेफिनेटली आने वाला है, और संदीप रेड्डी वांगा ने इस बात को कंफर्म किया है कि इसके सीक्वल का नाम एक्चुअली एनिमल पार्क होने वाला है, जो स्पेसिफिकली इस बात का हिंट देता है कि इस मूवी के अंदर जितना भी वॉयलेंस हमें दिखाया गया था वो सेकंड मूवी के आगे शायद बहुत कम होगा, और हमें वॉयलेंस का एक और नया बेंचमार्क सेट करती हुई इसकी सीक्वल देखने को मिल सकती है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।